फिल्म के शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो एक एडल्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मालिक होता है। मैक्स अपने नए प्रोजेक्ट के लिए किसी आइडिया की तलाश में होता है क्योंकि वो अपने ऑडियंस को कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जैसा लोगों ने कभी नहीं देखा हो। इसी सिलसिले में वो कुछ जैपनीज लोगों से मिलता है जो उसे जापान की एडल्ट मूवी दिखाते हैं, लेकिन मैक्स को कुछ हार्डकोर चाहिए था इसलिए वो उन जैपनीज लोगों के साथ डील करने से मना कर देता है। अब आगे हम हेरल को देखते हैं जो मैक्स का असिस्टेंट होता है, जहाँ हेरल मैक्स को एक वीडियो फुटेज दिखाने की बात कहता है जो मलेशिया से ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। दरअसल हेलन ने कुछ मशीन की मदद से एक अननोन सिग्नल को रिसीव किया था जिसकी लोकेशन मलेशिया थी। वो मैक्स को बताता है कि ये फुटेज सिर्फ 53 सेकंड तक ही चल पाई क्योंकि मेरी मशीन इससे ज्यादा देर तक सिग्नल्स को स्टेबल नहीं रख पाएंगी। अब इसके बाद मैक्स उस फुटेज में देखता है कि लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है, जो देख कर लग रहा था मानो वो कोई एक्टिंग नहीं बल्कि सच हो। जो देख कर मैक्स भी अब अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसा ही करने का विचार बनाता है। अब इसके बाद हम मैक्स को द रेना किंग शो नाम के टीवी सेट पर देखते हैं, जहाँ रेना नाम की एंकर मैक्स का इंटरव्यू लेती है। वहीं हम मैक्स के साथ ही निकी को भी देखते हैं, जो बहुत खूबसूरत थी, पर मैक्स अपने इंटरव्यू पर ज्यादा ध्यान ना देकर निकी से बात करने में व्यस्त होता है। साथ ही साथ इस शो में गेस्ट के रूप में ओब्लिवियन भी होते जो लाइव टीवी के जरिए उनसे जुड़े हुए थे। यहाँ रेना मैक्स से सवाल करती है कि तुम अपने एडल्ट वीडियो में सॉफ्ट कोर से लेकर हार्ड कोर वायलेंस दिखाते हो, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि इससे लोगों के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा? जिस सवाल पर मैक्स जवाब देता है कि मैं लोगों को वो दिखाता हूँ जो वो करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में वायलेंस होने से अच्छा है कि टीवी तक ही वायलेंस सीमित रहे। जिसकी बार फिर रेना ओब्लिवियन से सवाल करती है, पर वो उसके सवालों का जवाब ना देकर अलग ही बातें करने लगते है, मानो उन्होंने उसका सवाल सुना ही ना हो। वहीं इंटरव्यू के बाद मैक्स हेलन से मिलता है, जहाँ हेलन मैक्स को ये बताता है कि उस ब्रॉडकास्ट का नाम वीडियो ड्रोम है और वो मलेशिया से नहीं बल्कि पीटर्सबर्ग से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, यानी कि वो टॉर्चर शो यूएसए के पीटर्सबर्ग शहर के ऐसी अनजान लोकेशन से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस शो में लड़कियों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन मैक्स को अब भी यही लग रहा था कि ये सब एक्टिंग है। फिर इसके बाद हम निकी को एक रेडियो शो पर देखते हैं, जहाँ वो रेडियो कॉल के जरिए किसी महिला से बात कर रही होती है और तभी वहाँ मैक्स आता है जो शो खत्म होने के बाद निकी को लेकर अपने घर चला जाता है। अब मैक्स के घर पर वीडियो डोम की टेप्स होती है जो देख कर निकी सवाल करती है कि इन वीडियो टेप्स में क्या है, जिस पर मैक्स बताता है कि इसमें एक टॉर्चर शो की वीडियो है जिसमें लड़कियों को बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और हेलन के मुताबिक इसमें लड़कियों का हत्या तक कर दिया जाता है। जो सुनकर निकी उस वीडियो टेप को देखने की इच्छा जाहिर करती है, इसलिए अब दोनों भी उस वीडियो टेप्स को देखने लगते हैं। वहीं इसमें दिखाए गए टॉर्चर से घबराने के बजाय निकी मैक्स से उसे टॉर्चर करने को कहती है, जिस पर फिर मैक्स उसके कान में एक सुई चुबा देता है जिसकी बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि निकी खुद को टॉर्चर करवाना चाहती है। फिर अगले दिन मैक्स अपने ऑफिस जाता है जहां माशा नाम की महिला उसका इंतजार कर रही होती है। दरअसल माशा भी मैक्स की तरह ही एडल्ट वीडियो प्रोडक्शन हाउस चलाती है, जहां मैक्स माशा से वीडियो डोम के बारे में पूछता है, लेकिन माशा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तब मैक्स उसे सारी बात बताता है कि ये शो पीटर्सबर्ग से ब्रॉडकास्ट किया जाता है जिसमें लड़कियों को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, जिस पर फिर माशा उसे सवाल करती है कि क्या तुम भी वीडियो डोम जैसा शो बनाना चाहते हो, जो सुनकर अब मैक्स सोच में पड़ जाता है। अब इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां निकी और मैक्स को देखते हैं, जहां निकी मैक्स से बताती है कि वो पीटर्सबर्ग जा रही है, जिस पर भी मैक्स मजाक में पूछता है कि क्या तुम वीडियो डोम के लिए ऑडिशन देने जा रही हो, जिसकी जवाब में निकी हाँ कहती है। अब ये सुनकर मैक्स उसे टॉर्चर वाली बात याद दिलाता है कि किस तरह वीडियो डोम पर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, पर इस पर निकी अब एक जलती हुई सिगरेट से खुद को जलाकर दिखाती है, यानी कि उसने पीटर्सबर्ग जाने का मन बना लिया है। इधर अगले दिन मैक्स फिर से माशा से मिलता है, जहां माशा बताती कि वीडियो रूम में दिखाई जाने वाली चीजें एक्टिंग नहीं बल्कि सच है, क्योंकि वहां सच में लड़कियों को जान से मार दिया जाता है। लेकिन इतने पर भी मैक्स को यकीन नहीं होता, बल्कि वो माशा से कहता है कि उस शो में काम करने वाले लोगों की एक्टिंग इतनी अच्छी कि तुम्हें वो सब सच लगा, जिस पर माशा फिर से ये कहती है कि वो सब सच है और यदि तुम इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो तुम ओब्लिवियन से जाकर मिलो। अब इसके बाद मैक्स एक शेल्टर में जाता है जहां बहुत से होमलेस लोग रहते हैं। वहां उसे बियांका मिलती है जो ओब्लिवियन की बेटी है। अब यहाँ भी इनका मैक्स को बताती कि मेरे पिता लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, इसलिए वो तुमसे वीडियो टेप्स के जरिए ही बात करेंगे, जिसकी बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम मैक्स को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे माशा की बात याद आती है कि वीडियो रूम में दिखाई जाने वाली चीजें और हत्याएं सच है, इसलिए उसे अब निकी की फिक्र होने लगती है। तभी फिर वहाँ ब्राइडी आती है जो मैक्स को बियांका द्वारा दिया गया वीडियो टेप देने आई थी। दरअसल ब्रीडी मैक्स के ऑफिस में काम किया करती है। उसी समय फिर ब्रीडी की
नजर वीडियोड्रोम वाली कैसेट पर पड़ती है, इसलिए वो मैक्स से सवाल करती है कि उस कैसेट में क्या है, जिस पर मैक्स उसे गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारता है क्योंकि ब्रीडी ने बिना मैक्स से पूछे उस कैसेट को उठा लिया था। वहीं मैक्स को ये एहसास होने पर कि उसे ब्रीडी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो उसे माफी भी मांगता है, पर इस पर ब्रीडी कहती कि तुमने मुझे थप्पड़ कभी मारा ही नहीं, जिसका मतलब ये कि मैक्स को हेलुसिनेशन हुआ था। फिर ब्रीडी के जाने के बाद वो ऑब्लिवियन का वीडियो टेप लेकर उसे प्ले करने के लिए टीवी की तरह बढ़ता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो उस वीडियो टेप में जान आ गई हो, जिसके कारण उसके हाथ से वो वीडियो टेप गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे प्ले करता है, जिसमें ऑब्लिवियन मैक्स से बातें करते हुए दिखाई देता है। वो बताते है कि मेरे दिमाग में एक ट्यूमर है जिसके कारण मुझे हेलुसिनेशन होते रहते हैं, और वो ट्यूमर ही वीडियोड्रोम है। फिर तभी एक महिला आकर ऑब्लिवियन को जान से मार देती है, जो देख कर मैक्स बुरी तरह से डर जाता है। फिर वो महिला जिसने ऑब्लिवियन को मारा था वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि निकी ही है। अब निकी मैक्स से बातें करने लगती है और उसे किस करने को कहती है, जिस पर मैक्स निकी को किस करने के लिए टीवी स्क्रीन को किस करने लगता है, जो देख कर हम समझ जाते हैं कि मैक्स अब भी हेलुसिनेशन कर रहा है, यानी कि ऑब्लिवियन की मौत से लेकर अब तक उसने जो भी देखा वो उसका भ्रम था। वहीं दूसरे दिन मैक्स फिर से बियांका के पास जाता है, जहाँ वो उसे अपने हेलुसिनेशन के बारे में बताता है, जिस पर बियांका बताती है कि तुम्हें इसके बारे में मेरे पिता से सवाल करना पड़ेगा, जो ऐसा कहकर वो मैक्स को एक कमरे में ले जाती है जहाँ बहुत सी वीडियो टेप्स होते हैं। बियांका मैक्स को बताती है कि मेरे पिता की मौत 11 महीने पहले ही हो गई है, लेकिन मैंने इन वीडियो टेप्स के जरिए अपने पिता को जिंदा रखा है, जिससे हम समझ पाते कि बियांका ने पहले मैक्स से क्यों कहा था कि उसके पिता वीडियो टेप के जरिए लोगों से मिलते हैं, जिसके बाद वो कुछ वीडियो टेप्स मैक्स को देती है। दरअसल इन टेप्स में ऑब्लिवियन ने वीडियो ड्रोम के बारे में समझाया था। अब आगे हम मैक्स को हेलन के पास देखते हैं, जहां वो हेलन से सवाल करता है कि क्या तुम्हें भी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, जिस पर हेलन कहता है कि मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहे। तब मैक्स अपने घर जाकर ऑब्लिवियन के टेप्स देखता है, जिसमें ऑब्लिवियन ने यह बताया होता है कि वीडियो ड्रोम के कारण इंसान के दिमाग में ट्यूमर बन जाता है, जो धीरे धीरे उनके दिमाग का नया अंग होता है। अब मैक्स इस सब को देख ही रहा था कि अचानक ही उसके पेट में एक छेद हो जाता है, जिसमें वो अपनी बंदूक को छुपा देता है, जिसके बाद फिर उसका पेट एकदम से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ये भी मैक्स का एक हेलुसिनेशन ही था। अब इस सब के बाद उसे एक कॉल आता है, जिसमें बेरी नाम का शख्स वीडियो रूम के बारे में मैक्स से बात करने की बात कहता है। वो कहता है कि उसका ड्राइवर मैक्स के घर के बाहर कार लेकर खड़ा है, इसलिए अब मैक्स उस कार में बैठकर बेरी से मिलने के लिए चल पड़ता है। अब अगले सीन में हम मैक्स को स्पेक्टेकुलर ऑप्टिक्स नाम की दुकान पर देखते हैं, जहां बेरी मैक्स से बताता है कि मैं स्पेक्टेकुलर ऑप्टिक्स नाम की कंपनी का मालिक हूँ, और हमारी कंपनी ने ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से हम तुम्हारे हेलुसिनेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए अब वो मैक्स के सिर पर वो डिवाइस लगाकर वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मैक्स देखता है कि वहां पर निकी आई हुई है, जो अचानक से टीवी स्क्रीन में दिखने लगती है। निकी मैक्स से कहती है कि वो उसे चाबुक से मारे, जिस पर मैक्स ऐसा ही करता है, और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हम मैक्स को उसके बिस्तर पर देखते हैं, जहां नींद खुलने पर वो माशा की लाश देखता है, जो देखकर वो बुरी तरह से सहम जाता है। अब इसके बाद वो हेलन को बुलाकर उसकी तस्वीर लेने को कहता है, पर इस पर हेलन बताता है कि तुम्हारे बिस्तर पर कोई लाश नहीं है, यानी कि मैक्स को अभी भी हेलुसिनेशन हुआ था। तब मैक्स हेलन को एक घंटे के अंदर ऑफिस में आकर मिलने को कहता है, जिसके बाद हम उन दोनों को ऑफिस में देखते हैं, जहां मैक्स हेलन को सारी बात बताता है कि जब से उसने वीडियो ड्रोम देखा है तब से उसे अजीब से विजन्स और हेलुसिनेशन दिख रहे हैं। साथ ही साथ वो हेलन से सवाल करता है कि तुम्हें कोई हेलुसिनेशन क्यों नहीं हो रहा, आखिर तुमने भी तो वीडियो ड्रोम देखा था। इस पर हेलन बताता है कि मैंने कभी वीडियो ड्रोम देखा ही नहीं। साथ ही साथ वो ये भी रिवील करता है कि उसने कोई सिग्नल रिसीव किया ही नहीं था, बल्कि उसके पास हमेशा से वीडियो ड्रोम की टेप मौजूद थी, जो उसने मैक्स को दिखाई। और तभी वहाँ बैरी आ जाता है, जिससे हम समझ पाते कि हेलन उसके साथ मिला हुआ है। और बैरी मैक्स के अंदर एक कैसेट डाल देता है, जो ये दर्शाता है कि बैरी ने मैक्स के दिमाग को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर दिया है, जिससे मैक्स बैरी की सारे बातें मानता है। फिर इसके बाद वो मैक्स को आदेश देता है कि वो अपने साथियों को मारकर अपनी कंपनी बैरी के नाम कर दे। इसलिए अब मैक्स ऐसा ही करता है, और अब हम समझ पाते हैं कि बैरी ने हेलन की मदद से मैक्स को वीडियो ड्रोम दिखाया, जिस कारण वो हेलुसिनेशन करने लगा, और इसी का फायदा उठाकर उसने मैक्स के दिमाग को कंट्रोल कर लिया, और अब वो उसकी ही कंपनी का मालिक बन चुका है। इसके बाद वो मैक्स को आदेश देता है कि वो बियांका को जान से मार दे, इसलिए मैक्स बियांका को जान से मारने जाता है, लेकिन बियांका उसे चकमा देकर गोली मार देती है। दरअसल बियांका ने मैक्स को सच में गोली नहीं मारी होती, बल्कि उसका गोली मारना ये दर्शाता है कि मैक्स और बैरी के कंट्रोल से बाहर है। अब इसके बाद बियांका मैक्स को कंट्रोल
करके हेलेन और बैरी को मारने की बात कहती है, क्योंकि उसने मैक्स से ये जान लिया था कि इस सब के पीछे कौन शामिल है। फिर अगले सीन में हम मैक्स को हेलेन के पास देखते हैं, जहां हेलेन ये सोचकर मैक्स को आदेश देता है कि वो अब भी बैरी के कंट्रोल में है, जिस पर अब मैक्स हेलेन को भी जान से मार देता है, जिसके बाद वो बैरी के पास जाता है, जहां बैरी को एक स्टेज शो पर देखते हैं, जहां मैक्स अब सबके सामने बैरी को गोलियों से भूनकर वहां से भाग निकलता है। फिर वो एक खराब पड़ चुके पानी के जहाज पर जाता है, जहां उसे अब भी हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं, क्योंकि उसे अपने सामने एक टीवी दिखाई देती है जिसमें निकी होती है, जो मैक्स से कहती है कि तुमने उन लोगों को तो मार दिया जिन्होंने वीडियोडोम के जरिए तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तुम वीडियोडोम को खत्म नहीं कर पाए। जिसके बाद वो मैक्स को वीडियोडोम को नष्ट करने का तरीका बताती है, जिसमें वो टीवी के जरिए ये दिखाती है कि मैक्स खुद को गोली मार रहा है, जिसकी ऐसा करते ही वो टीवी खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। अब ये देखकर मैक्स खुद को सच में गोली मार लेता है और इसी अजीब एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी 1983 के समय में बनाई गई थी और ये वो समय था जब वेस्टर्न कंट्रीज में टीवी शोज अपने जोरों शोरों पर थे। उन टीवी शोज के कारण बच्चों ने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था और वो कोई आउटडोर गेम खेलने के बजाय टीवी देखने में लगे रहते थे। बस उसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह एक शो के कारण आप अपनी असली जिंदगी को छोड़कर टीवी की दुनिया में रहने लगते हो, जैसा कि इस जनरेशन में मोबाइल है। अब अगर आज के जमाने की बात करें तो आप में से बहुत लोग अपने बचपन में आउटडोर गेम्स खेला करते थे, जैसा क्रिकेट या फुटबॉल या कुछ और, जबकि आज के जमाने के बच्चे मोबाइल पर ही गेम्स खेलते हैं, जिससे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिसका साफ उदाहरण है पबजी, जिस गेम के नशे में कितने ही लोगों की जान भी चली गई है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स यही दिखाना चाहते थे कि टीवी एडिक्शन के जरिए हम रियलिटी को छोड़कर हेलुसिनेशन की तरह अलग ही दुनिया में रहने लगते हैं। वहीं आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और अगर हाँ तो प्लीज एक छोटी सी विनती है कि लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।